आज यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी। तुम्हारे रिक्शे की बात कर लिया मैंने, कल से तुम रिक्शे पे ही स्कूल जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है रिक्शे की, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है इतने पैसों की। आप खर्चे की टेंशन मत लें, मैं कुछ देख लूंगी। कैसे टेंशन ना लूं? मैं पार्लर जाती हूँ तो तुम्हें रुसवाई महसूस होती है। अम्मी, अब्बू के ग्रेचुटी की कुछ रकम तो आ गई है, और वो काफ़ी है कि हम 3-4 महीने ठीक से गुजार लें। आप पार्लर छोड़ देना, मैंने कई जगह अप्लाई किया है, मुझे नौकरी मिल जाएगी रिजल्ट आते ही। खबरदार, जो ग्रेजुएटी पे नजर रखे, एक पाई नहीं खर्च करूंगी घर में। तुम लोग तो शादी करके चले जाओगे, मेरा क्या बनेगा? फिक्स डिपॉजिट कराऊंगी मैं उनको। मैं आपको अकेले छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। सुन, माँ से बात करने की तो तुम्हें तमीज नहीं है, बात करती है अकेला ना छोड़ने की। जोया, तुम स्कूल से छुट्टी करो आज, सालिया भी घर पे नहीं है और मेरा तो बिल्कुल सदमे ने बुरा हाल कर दिया। मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी। अम्मी, जोया स्कूल से छुट्टी नहीं करेगी, आए दिन छुट्टियों की वजह से उसकी एजुकेशन आ गई इतने हर्ज में है। हर बात में मेरे खिलाफ जाना तुम्हारा फर्ज है क्या? जोया की एजुकेशन मेरा फर्ज है और उसकी फिक्र आपको भी होनी चाहिए। घर आके मैं सफाई कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। जोया, जाओ अपना बैग लेके आओ। खराब हो गया इस लड़की का। हानी, आप भी वो देखे? साले, सालिया गाड़ी से उतरो। क्यों उतरूं गाड़ी से? बाहर आओ अभी। हानिया, ये क्या बदतमीजी है? उतरो अभी। हानिया, ये आप क्या सरेरा तमाशा लगा रही है? आप चुप करें, मैं आपसे बात नहीं कर रही। बाहर आओ तुम। हानिया, तुम्हारा दिमाग खराब है? जमाल साहब हमारे हमदर्द हैं, वो मुझे जॉब के लिए लेके जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है वो तुम्हें कौन सी जॉब के लिए लेके जा सकते हैं। बाहर आओ। हानिया, मैं आपकी अम्मी को आपकी शिकायत लगाऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती कर दी आपने। आप जाएं यहां से। तुम बाहर निकलो, जाएं। तुम घर पहुंचो, तुम्हारी खैर नहीं है हानिया, तुम अपनी खैर मनाओ। इन भेड़ियों से तुम्हें मैं देख लूंगी। हाँ देख लेना, अभी घर जाओ और सीधी घर जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो तुम्हें स्कूल छोड़ो।